गुड मॉर्निंग बच्चों, अब तक इलेक्ट्रिसिटी के मैं 20 न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। पहली बार चैनल पर आए हो तो जाके चैनल पे जाओ, आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैंने सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। अब हम उसी में लाइट कवर कर रहे हैं। अब लाइट के मैं कुछ 15-20 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सारे कंसेप्ट इसमें कवर होंगे। अच्छे से देखना वीडियो को, पूरी देखना, बिल्कुल समझ में आएंगे। और यकीन मानो, इसके बाहर बोर्ड में कुछ नहीं पूछेगा, गारंटेड है मेरी, 100% इसी में से आएंगे, ठीक है? तो नोट डाउन कर लो अच्छे से। और देखो, पहला क्वेश्चन उसमें लिखते हैं, हमारे उसमें क्या लिखा हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देख लेते हैं, पूरा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है? अच्छे से समझ में आया? तो देखो, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास मतलब एयर से लाइट किसमें आ रही है, ग्लास से। तो हम कैसे लिखेंगे, ए एन जी। कितना दिया हुआ है, ए एन जी 3/2, ठीक है? और यहां से क्या दिया हुआ है, एक्चुअली बच्चे लोग बीच में वीडियो रुक गई तो इसलिए दोबारा से करवा रहा हूं, थोड़ी वीडियो रुक गई थी, दोबारा से देखो, ठीक है? रुक जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का दिया हुआ है, किसके, विद ग्लास के रिस्पेक्ट में। कितना दिया हुआ है, 3/2। और क्या दिया हुआ है हमें, एयर का दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, कितना, 4/3। और हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, कितनी दी हुआ है, दे रखी है 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, गलती कहां से होगी आपसे, वो देखना ध्यान से। हमसे क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब स्पीड, लाइट की स्पीड पूछ रही है वाटर में। तो वाटर में पूछिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका लेंगे, वाटर का। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सर वाटर क्यों लिया, अरे वाटर का ही निकालना है ना। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रखेंगे, यहां पे 4/3, किसका, जिसका पूछ रहा है, वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर का ही रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की, देखो इसका काम नहीं है, ये ग्लास की है, ध्यान रखना, ये गलत कर दोगे आप। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10^8 और मीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, वाटर, तो वाटर का VW लिख लेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है? तो ये कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये V इधर गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऊपर से मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, V(W)×4/3=3×10^8। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखना ध्यान से, कहां गलती होगी ये भी देखना आप लोगों से, कि कहां आपसे ये इतना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब ये 3 इधर और ये 4 इधर डिवाइड में, तो V(W)=3×3×10^8, ये तो हमारा ही रहा, ये 3 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, अपॉन में 4, तो ये कितना आ जाएगा, 9/4×10^8। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर है। देखो गलती कहां से होती, आप ये रख देते जबकि इसका कोई काम नहीं है बेटा, हमसे गिलास में नहीं पूछा है, हमसे गिलास में तो दिया हुआ है, पूछेगा क्यों भाई, दिया गिलास का तो सब कुछ दिया हुआ है, देखो 3/2 और 2×10, हमसे किसका पूछा है, वाटर का। लेकिन क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है, जल्दी जल्दी में हम देखते नहीं है, गलत सलत कर देते हैं, इसीलिए ये पूछा है। इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ही यही है एग्जामिनर का, कि आप कैसे मैक्सिमम गलती करते हो और आप उसको कैसे अवॉइड करो। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, मतलब हर साल आता ही आता है, 2 नंबर का एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2019 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, और यकीन मानो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा ही दिक्कत होती है, हमेशा गलत करते हैं। देखो जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे करना कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है? ध्यान से समझना कैसे क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट हुई है, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इस प्लेस एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कैसा है हमारा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और फोकल लेंथ, और तीसरा क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस
फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस टू ऑब्टेन अ इमेज. देखो मतलब हमें इससे क्या पूछा, इमेज. इमेज क्या होता है, वी. तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. सबसे पहले हमें पता है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर ऐसे करा लेंगे. ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया. ठीक है, ठीक है. और यहां पर है, यहां कहीं एफ और यहां कहीं सी. अब देखना ध्यान से, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती कहां है कि सर एफ माइनस कब ले, यू माइनस कब ले, वी माइनस कब होगा, बी प्लस कब होगा. यहां देखो ये ऐसा है ना, तो यहां पे आपको कोऑर्डिनेट बना लेना है ऐसे. ये कोऑर्डिनेट हो गया, देखना ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट हो गया. तो हमें पता है ये वाला प्लस एक्स एक्सिस, ये वाला प्लस वाई एक्सिस, ये वाला माइनस वाई एक्सिस, और ये वाला वो माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाला माइनस वाई एक्सिस. तो और ये ओरिजिन होगा इसको पी मतलब ओ, ओ से. तो ओ से इधर जितनी भी चीज होगी वो सब माइनस होगी. तो हमें पता चल गया भाई ओ के इधर एफ है, मतलब एफ हमारा क्या होगा, माइनस. मतलब कॉनकेव में हमारा एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस हमेशा. यू को कहां रखेंगे, यू को भी यही कहीं रखेंगे भाई, मिरर के सामने रखेंगे तभी तो इमेज मिलेगी. तो मिरर ये रहा, मिरर के सामने यही कहीं रखेंगे. तो यार मतलब क्या हो गया हमारा, यू भी हमेशा माइनस होता है. ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है, ये फिगर बना के तुरंत दो मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा, गलती से बच जाओगे. कि कॉनकेव मिरर में हमेशा एफ और यू हमेशा निगेटिव होते हैं. अभी इतना पता होने के बावजूद भी वो गलती कहां होती है, मैं वो बताना चाह रहा हूं. ये समझ में आ गया आपको, नोट डाउन कर लेना. अब देखो ये पता चल गया कि भाई यू मेरा कैसा है माइनस, और एफ भी कैसा है माइनस. ठीक है, अब हमें पता है कि भाई मिरर फार्मूला क्या होता है, वन अपोन एफ इक्वल टू वन अपोन वी प्लस वन अपोन यू. ये हमारा मिरर फार्मूला होता है. ठीक है, चेक कर लेता हूँ, इतना दिख रहा है कि नहीं. हाँ दिख रहा है, वीडियो बन रही है, समझ में आया यहां तक. अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, v को निकालना है. तो v को इधर ले आओ, या एक काम करो u को इधर ले आओ. तो वन अपोन एफ माइनस, देखो u इसको निकालना है तो इसको यही रखेंगे, इसको छेड़ेंगे. तो माइनस वन अपोन यू इक्वल टू वन अपोन एफ. अब देखना ओ वन अपोन v, आपसे गलती कहां होती है, यहां तक तो देखो सब कर लेते हैं. गलती होती क्या है, मैंने क्या बताया f कैसा होगा माइनस और u कैसा होगा माइनस. अब यहां पे जो वैल्यू रखोगे आप, वन अपोन एफ कितना है, फोकल लेंथ 10, तो ये 10 लिख दिया, तो इसके सामने माइनस लगा लो क्योंकि ये माइनस के साथ होता है. अब ये माइनस ऐसे ही रहा, और यू को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना, ऐसे कभी गलती नहीं होगी. यू कितना है हमारा, वन अपोन 15, मतलब 1/15 लिख लिया, लेकिन यू कैसा होता है माइनस, तो यहां पे इसको माइनस कर देना ये ऐसे. यहां तक समझ में आया, क्लियर है, नो डाउट, बिल्कुल अच्छे से. और इधर क्या हो जाएगा, ये 1/v. अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का 1/10 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/3. ठीक है, अब क्या करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा एलसीएम ले लो. सर एलसीएम कितना होगा, देखो ये 30 होगा, लेकिन अगर आप फिर भी निकाल पा रहे हो तो 15 की इधर 10 की इधर और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई. तो माइनस 15 प्लस 10 अपॉन 15 इंटू 10 इक्वल टू 1/3. यहां तक क्लियर है, तो देखो क्या होगा, यहां पर सोल्व कर रहे हैं आप, देखना ध्यान से. माइनस 15 में से 10 गए, तो माइनस का 5 बचेगा क्योंकि 15 के पास माइनस वाला साइन है. तो माइनस का 5 अपॉन नीचे में कितना आएगा, 150 इक्वल टू 1/v. अब क्या करेंगे सर, हमें तो v निकालना था, इसको पलट लो. तो मतलब v इक्वल टू माइनस का 150 अपॉन 5, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हमारा v निकल गया. अब ध्यान रखना, जब भी v निकलेगा अगर वो माइनस में आएगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और अगर प्लस में आएगा तो वर्चुअल होगा, और वो क्या बोलते हैं, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल और इरेक्ट, अरे दिमाग से याद नहीं आता. अगर v माइनस होगा तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा, अगर प्लस आएगा तो वर्चुअल है इरेक्ट होगा. तो यहां पे माइनस आया, माइनस आ गया तो क्या होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड. अब हमसे क्या पूछा है, h. h देखो कि h कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. हाँ देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा है, हाइट पूछी है. हाइट कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई हाइट का क्या फार्मूला होता है, एच टू अपोन एच वन इक्वल टू माइनस का वी अपोन. एच टू क्या है, एच टू है हाइट ऑफ इमेज, एच वन क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है माइनस, ये डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी ये देखो ध्यान से, ये होगा ऐसे, ये कॉनकेव होगा, तो ऐसी तो रखेंगे हम कभी भी, हम इमेज को ऑब्जेक्ट को ऊपर ही की ओर रखेंगे ना, तभी तो प्लस आएगा, और ऊपर की ओर क्या होता है हमेशा प्लस, ध्यान रखना ऊपर की ओर क्या होगा प्लस. तो मतलब h हमेशा इसमें h1 हमेशा प्लस में होगा. तो
तो एच टू ऐसी रहा, एच वन कितना है देखो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और माइनस ये कितना निकला था 30 अपॉन यू कितना था हमारे पास 15, तो ये दोनों कट गए इससे देखो टू टाइम में, तो यहां से कितना आ जाएगा शो डेट एच टू अपॉन 4 इक्वल टू -2, तो यहां से एच टू कितना आ जाएगा एच टू इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। अब देखो एच टू जब भी माइनस होगा माइनस में तो नीचे की ओर लाइक करेगा, मतलब कैसा होगा नीचे की ओर, मतलब ये कॉनकेव हुआ ना ये ऐसे, तो ये तो एच अगर एच वन अगर प्लस है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो एच टू माइनस होगा तो ये नीचे की ओर, मतलब डिस्टेंस कहां बनेगी इमेज कहां बनेगी नीचे की ओर। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से, इमेज कहां बनेगी नीचे की ओर, आई बात समझ में। अब ये इससे भी पता कर सकते हो कि जब भी ये माइनस में आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, आई बात समझ में, एक एक स्टेप समझ में आया, नोट डाउन करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें कैंडल वाला आएगा वो करवाऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ये करो और समझो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है, नोट डाउन करो, अगला करते हैं, देख ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और केस बेस में आएगा सीधा आएगा, तो क्या लिखा है, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, क्या है इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, कैसा है इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, कैसा है माइनस वन, मिरर के बारे में बताया नहीं है कि कैसा मिरर है, कि कॉनकेव मिरर है कि कॉनवेक्स मिरर है, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये किसकी डिस्टेंस है, यू की, ऑब्जेक्ट की, इमेज की, सर ये है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 फ्रॉम द मिरर, ये यू है बेटा, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को रखेगा कि वी को रख देगा डायरेक्ट, नो सर पहले वी को, वी को रखेगा पहले, नो सर ऑब्जेक्ट यू को। अब ये क्या पूछ रहा है, राइट द टाइप्स ऑफ मिरर, कि मतलब मिरर कैसा है, कैसे करेंगे जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में हो, क्या था मैंने, जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में हो, तो हमेशा मैग्निफिकेशन माइनस में होगा तो इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है, लिख लो, ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब भी मैग्निफिकेशन, पहला मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफिकेशन को दिखाते हैं एम से, तो मैग्निफिकेशन माइनस में है, ठीक है, तो जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में होगा तो कॉनकेव मिरर होगा, लिख लेना, तो मिरर पता चल गया, यस सर। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मतलब इमेज की डिस्टेंस बतानी है, बहुत ध्यान से करना ये वरना गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से पूछ रहा है वो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, और ऑब्जेक्ट से मतलब मान लो यहां पे मैं खड़ा हूं सामने वो है तो मेरे से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो अब इसमें कैसे करेंगे, हमें पता है कि भाई फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये आ गया समझ में, ऐसे m कितना है माइनस वन, मतलब माइनस, और यहां पे अभी देखो वैल्यू नहीं रखेंगे, अब जब भी मैग्निफिकेशन माइनस हो गया यू आ गया, तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस ऐसा होता है, एक केस जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, वो कब बनता है जब फोकस और पोल के बीच में, तो वो उस केस को छोड़ के बाकी केस में वी हमेशा माइनस आता है, तो वो केस अलग है, हम क्या लेंगे यहां पे वी को भी माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया तो मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है, तो वी को क्या करेंगे माइनस, और माइनस वी अपॉन, और हमें पता है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है यू, यू भी हमें पता है, तो इसको हमें इसको भी ऐसे ही रख दो, इसको नहीं रखेंगे, ठीक है, यू का रखो, यू कितना है सर, यू 50, और यू हमेशा 50, यू हमेशा माइनस होता है किसमें, कॉनकेव में, तो मतलब क्या रखेंगे माइनस 50, और ये वी को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, ये समझ में आया, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहां से वी कितना आ गया इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है माइनस 50 सेंटीमीटर, आगे समझ में, तो हमें वी मिल गया, अब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है सर, ऑब्जेक्ट की 50 और इमेज की -50, तो यहाँ पे प्लस माइनस जीरो नहीं होगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव में नहीं होगी, तो हम क्या रखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो कैसे लिखेंगे u मोड, इस मोड का मतलब क्या है कि वैल्यू प्लस हो या माइनस, बाहर हमेशा प्लस ही आएगा, प्लस मोड के अंदर ऐसे ही मोड लगा के v, तो ये कितना आ जाएगा 50, और प्लस माइनस का 50 लगाएंगे क्योंकि वो बाहर आ गए और यहाँ पे भी माइनस 50, तो माइनस मोड है ये, तो मोड में हमेशा प्लस आता है और डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस भी, तो ये प्लस 50 कितना गया 100 सेंटीमीटर, तो मतलब उसकी डिस्टेंस इमेज से कितनी है, इमेज की 100
ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब तीसरा क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है? यहां तक लिख लिया? यस सर। जल्दी लिखो यहां तक। अब देखो क्या करेंगे हम, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। यहां तक ये फॉर्मूला है? यस सर। साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। वी कितना आया था सर? -50। तो वन अपॉन -50 प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा के यू कितना आया था? -50, क्योंकि यू हमेशा माइनस हो। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/50 और माइनस का 1/50 दोनों ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो माइनस के 2/50। मतलब इसको क्या कर देंगे, माइनस का पलट दिया हो जाएगा 1/25। आ गया, ये कितना आया हमारा 1/f। तो मतलब f कितना आ जाएगा यहां से, -25 सेंटीमीटर। और हमेशा माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि कोण के मिरर में f हमेशा माइनस नहीं आता, ऑटोमेटिकली माइनस में आया। अगर ना आया तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। बहुत प्यारा यूनिक क्वेश्चन है, 2014 में 3 मार्क्स आया, केस बेस में पूछ लेगा कि केस बेस में कैसे बनेगा, ठीक है? तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। और चौथा अगर इसमें पूछ लेगा कि री डायग्राम बनाओ, तो इसका री डायग्राम ऐसे बनेगा, देखना ध्यान से। यहां पे ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर, ठीक है? यहां समझ में आ गया? तो यहां से ये रे रखी ऐसे, तो यहां से ये रे निकलेगी, ये रे निकल के इसको यहां पे काटेगी, और यहां से ये यहां पे ऐसे जाएगी। तो ये जो यहां पर होगी ना, ये इमेज डिस्टेंस होगी हमारी। आई बात समझ में, ये हमारी क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। आया समझ में? ये रे डायग्राम है, 4 नंबर है, केस बेस में पूरा पूछ देगा, सिंपल सा है। नोट डाउन करो जल्दी से। 2013 में 3 नंबर का आया ये, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे करना है ध्यान से, क्या लिखा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मीडियम क्या है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2/3, एंड क्या है, एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी टू सी, और किसका पूछ रहा है, सी से ए का। जब भी ऐसा दिया हो, क्या कहा मैंने, जब भी ऐसा दिया ए से बी, बी से सी और सी से ए का पूछे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मतलब ए से किस में जा रहा है सर, ए से बी, बी में। तो यहां पे लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बड़ा सा एन, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और यहां पे बी। तो ये कितना दिया हुआ है, 2/3। आया समझ में? यस। और दूसरा क्या दिया हुआ है सर, बी से सी, बी से सी। तो उसको कैसे लिखेंगे, बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सी, कितना दिया हुआ है 4/3। मतलब यहां नहीं लिख के इसको यहां लिखते हैं 4/3, यहां समझ में आया? यस। और किसका पूछ रहा है, सी का, सी से ए, ए का क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो जब भी ऐसा दिया हो ए से बी ऑर्डर में, ए से बी, बी से सी और सी से ए का पूछे, समझ में आया? तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सी मल्टीप्लाई सी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ए, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1, भाई याद है? यस सर। 1 तीनों का कितना होता है, 1। यहां पे वैल्यू रख दो, कितनी है, 2/3 इनटू 4/3, 4/3 इनटू सी डिफेक्टिव ए इक्वल टू 1। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ऊपर के ऊपर से 8/9 इनटू सी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1। हमें ये निकालना है, तो ये 9 जाएगा इधर और 8 आएगा नीचे। तो यहां से कितना आ जाएगा ये सर, 9/8। आया समझ में? यस सर। क्लियर है आराम से? यस सर। अब ये पूछ लेगा, ये तो सी से ए का है, ए से सी का पूछेगा, तो आंसर ए, इसको पलट लेंगे बेटा, वो ये वो नहीं, इसको पलट लेंगे, सीधा सा है। सी से ए का कितना है सर, 9/8, और ए से सी का पूछेगा तो 8/9, सिंपल सा है, 3 नंबर का रखा है ये। और इसके साथ एक और स्टेटमेंट दे देगा कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, वो है। नोट डाउन करो अच्छे से, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 2013 में 3 नंबर का, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल मतलब कॉन्वेक्स मिरर का, अगर ये न्यूमेरिकल समझ लिया तो कॉन्वेक्स मिरर के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, एक ही फंडा है सबका, सिर्फ एक अच्छे से समझो। क्या कह रहा है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कैसा है वो, 5 सेंटीमीटर टॉल, मतलब हाइट दी है, मतलब हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखते हैं h1 इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर,
वैसे ये हाइट हमेशा प्लस ही होती है yes. चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि ऊपर ही रखेंगे हमेशा yes, तो ये प्लस हुई। और क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, किसकी डिस्टेंस दी है सर? यू दिया, यू। और यू चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा माइनस होता है, तो यू इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर में एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एफ क्या होगा? एफ इक्वल टू प्लस कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? यस। हमसे क्या पूछ रहा है? वी वी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सा समझ में आया। बस अपना फार्मूला पता है, मिरर फार्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये फार्मूला लिख दिया। अब यहां पे वैल्यू रखनी है साइन के साथ, फार्मूले में छेड़छाड़ नहीं करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 अपॉन एफ कितना है सर? प्लस 15। तो प्लस तो लिखते नहीं है? यस नो सर। तो 1 अपॉन वी प्लस ब्रैकेट लगाना है 1 अपॉन यू कितना है? माइनस 30। यहां समझ में आया? यस। अब अगला स्टेप क्या होगा? 1 अपॉन 15 ऐसे ही रहा, 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 30। आगे समझ में? अब वी निकालना है तो यू को इधर लाएंगे, तो क्या होगा ये 1 अपॉन एफ वो 1 अपॉन 15 क्या है? 1 अपॉन 15 और वो यू हटेगा वहां से तो इधर आके प्लस है, तो 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी। यहां तक समझ में आया? यस। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो नीचे कर दिया कितना 30। अब इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? ऊपर 2 प्लस one. और ये तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू कितना 1 अपॉन वी। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी, ये कट जाएगा तो 1 बाई 10। और इसको पलट लेंगे तो वी कितना गया सर? 10 प्लस का 10। यस। ठीक है, प्लस का मतलब 10 आया, 10 मतलब प्लस का। जब भी बी प्लस का है, क्या कहा मैंने? जब भी बी प्लस का है तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, हमेशा जब भी बी प्लस का आएगा तो बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ में? यस। क्लियर है? तो इसका ये पूछा है हमसे, क्या पता है? पोजीशन, साइज और नेचर। तो अभी नेचर पता चला है, साइज नहीं पता चला है। ये साइज, साइज एच टू पूछ रहा है, और पोजीशन की पोजीशन उसको कहां पे रखे। तो यहां तक समझ में आया? यस। अब देखो ध्यान से, ये मिटा दूं? यस सर। क्लियर है ना ये? यस सर। लिखना है? नो सर, कर लूंगा। करने का ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब हमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला पता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन सर? बी माइनस बी अपॉन यू और एच टू अपॉन एच वन। तो क्या होता है? एम इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, यू इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन। दोनों को इक्वल रख देंगे। यस। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू पता है भाई, v हमारा v कितना आया था तो माइनस से सीधा v कितना आया था 10 और u कितना आया सर? u माइनस 50 माइनस 30 माइनस 30 माइनस yes, तो माइनस का 30 इक्वल टू h2 कितना है सर? h1 तो निकालना है। यस सर। 5 और h1 कितना है? 5। ठीक है, तो देखो ये माइनस है, ये माइनस के, तो ये 0 से ये 0, तो हमारा क्या आ गया 1/3 इक्वल टू h2 अपॉन 5। तो ये 5 आ जाएगा इधर, yes, तो मतलब 5/3 इक्वल टू h2। तो सॉल्व करेंगे तो h2 कितना आएगा? 1.33 आएगा। यस सर। 66 आएगा बेटा। यस सर, 66। 1.6666। तो जब भी ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी हो तो क्या बोलेंगे? ये कैसा था? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। साइज पूछा है ना, छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर ये बहुत बड़ा था तब बोलते। ठीक है, देखो इससे छोटा है। यस सर। इससे काफी छोटा है ना, मतलब काफी तो छोटा नहीं है। ये 1 है और ये कितना 1.66, मतलब 1/3 है इसका, मतलब 3 गुना। यहां देखो, यस सर, इसके 3 से डिवाइड कर देना, मतलब उसका 3rd टाइम है ये, इसका 3, ये मान लो 3 गुना है। तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि बहुत छोटा है, डिमिनिश, थोड़ा सा छोटा है। आया समझ में? तीनों चीजों को इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, यही सारी चीज पूछता है। बस ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे चाहे कैसा भी हो। आया समझ में? yes. नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, देख क्या पूछ रहा है ध्यान से। अ स्टूडेंट यूज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, कितनी है? प्लस 40 सेंटीमीटर एंड अनदर हो माइनस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है? पावर इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ, वन अपॉन
फोकल लेंथ। और जो ये फोकल लेंथ होती है ये हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। हमेशा गलत हो जाएगा पढ़ना, हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। ठीक है, अब हमें दो केस दिए हुए हैं, दो केस। पहले वाले के लिए एफए, एफए ले लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। फोकल लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे तो 40 अपॉन 100 से डिवाइड, तो ये जीरो से ये जीरो, तो मतलब 0.4 मीटर। ठीक है, और दूसरे के लिए देखो कैसे करेंगे, दूसरे के लिए यहां पे तो यही सी एफ बी, एफ बी इक्वल टू कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो माइनस 20 अपॉन 100, तो कितना आएगा माइनस, वो माइनस 0.2 मीटर, कितना आया माइनस 0.2। अब ये फार्मूला लगाएंगे, पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, कितना है सर माइनस, इसके लिए 0.4, ये पॉइंट हटा दो 0, तो ये कट के कितना आएगा 2.5। यस, कैसा आया प्लस में, प्लस में। और पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो जब ये पावर प्लस में आए तो ये कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा ये? कॉन्वेक्स लेंस। आया समझ में? यस। देखते ही पता चल जाना चाहिए था फोकल लेंथ कैसी है, प्लस में। प्लस कॉन्वेक्स लेंस भी होती है क्योंकि एफ उसमें हमेशा प्लस ही होता है। यहां तक समझ में? अब इसमें देखो सेम ही लगाएंगे, P2 यहाँ पे P1 ले लो इसको, P1। ठीक है, P2 कितना आएगा 1 अपॉन फॉर्मूला वही माइनस का 0.2, तो ये हटा तो 0, तो कितना आएगा माइनस का 5 मीटर, वो 5 डायोप्टर। तो जब भी माइनस में है तो क्या होता है वो कॉनकेव लेंस। क्या होता है? कॉनकेव लेंस। यहां तक समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। पक्का? नोट डाउन करो इतना। अब देखो यहां तक समझ में आया? Yes. अब इसमें एक चीज और पूछ लेगा कि दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस P1 को और P2 को, तो संयुक्त कितना आएगा, मतलब कंबाइंड वाला कितना होगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये लिख लिया ना। Yes. यहां पे देखो P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो ये कॉम्बिनेशन इसमें दिया नहीं है, ये अलग से मैं बोल रहा हूं कि अगर आ जाएगा तो ऐसे कर लेना। कंबाइंड का पूछे तो कैसे निकालना है, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 कितना है 2.5 डायोप्टर, और प्लस करेंगे और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब माइनस का 0.5 डायोप्टर। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2.5 डायोप्टर। तो जो कंबाइंड होगा लेंथ उसकी पावर कितनी होगी, माइनस 2.5। आया समझ में? अगर ये तीसरा स्टेप है, अगर पूछे तो इसमें पूछा नहीं, अगर पूछ ले तो अलग से करवाने के लिए, समझना है। बहुत सिंपल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मिस्टेक कहाँ होती है ये वैल्यू रखने में, कैलकुलेशन में, यहाँ जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चलता बच्चों को कि फोकल लेंथ मीटर में होती है कि सेंटीमीटर में, तो मीटर में होगी। उसको अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे फिर सोल्व करेंगे। याद क्या रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में पावर हमेशा प्लस और कॉनकेव लेंस में पावर हमेशा माइनस, सिंपल सा है। और यहां से भी नहीं तो यहां से देख के चलना, जब फोकल लेंथ प्लस है तो कॉनकेव है, और ये फोकल लेंस माइनस है वो कॉन्वेक्स है, प्लस है और ये माइनस है तो ये कॉनकेव है, ऐसे भी पता चल जाएगा। ऐसे नहीं पता चला तो ऐसे कर लो, ठीक है, नोट डाउन करो, बहुत आएगा ही आएगा ऐसा। ठीक है, बोर्ड में कई बार पूछा है इस पे, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा 2017 में आया हुआ है 5 नंबर का, बहुत ज्यादा चांस है, मतलब 99% चांस है कि केस बेस में आए, मतलब 100% चांस है। क्या कह रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग टेबल इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन। अब फार्मूला लगा के सोल्व नहीं करना इसको, उसने लिख दिया, फार्मूले से सोल्व करोगे तो काट देगा। इस टेबल को ध्यान से देखनी है, ठीक है, टेबल देख लिया। यस सर। इसमें यू और वी बराबर है। यस सर। बराबर है ना, साइन को अगर एक बार को भूल जाए तो यू और वी कैसे है, बराबर। यू और वी बराबर कब होते हैं, जब ऑब्जेक्ट था रखा हो 2F पर। आई बात समझ में, U और B मतलब ऑब्जर्वेशन नंबर 3 हमारा सही है, मतलब कैलकुलेशन हम इसे करेंगे कि और किसी से नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। हमें क्या पता है भाई, U और F बराबर है, या वो V और F, U बराबर है। कब बराबर होते हैं, जब ऑब्जेक्ट का हो 2F पे। तो 2F जो है हमारे, 2F जो है हमें से क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ। तो 2F है और कॉन्वेक्स लेंस है, तो F हमेशा प्लस में आएगा, तो 2F को V के इक्वल करेंगे, और V कितना है
30, तो 2F इक्वल टू, तो V इक्वल टू यहां से कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, आया समझ में? यस सर। ये पहला हो गया, यहां से समझ में आ गया? Yes, अब ध्यान से दूसरा आंसर देखो कैसे करेंगे। F कितना है सर? 15 सेंटीमीटर। और हमारा U कितना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? Which observation is not correct? अब हमें देखना है कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। F कितना है सर? 50। ऑब्जर्वेशन ये ले लो, क्यों अभी बता रहा हूं उसका रीजन। ये कितना है सर? -20। और ये -18। और ये -10। तो ये गलत है, क्यों अभी बता रहा हूं कारण। एक यहां पे U कितना है सर? -10। U कितना है मतलब U इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। देख रहा है वीडियो में, दिख रहा है यहां का लिखा हुआ? यस दिख रहा है ना? हां ठीक है। तो U कितना है? -10। अब देखो U -10 है और F कितना है? +15। मतलब कहीं ना कहीं हमारा U जो है और F 15 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? पोल और फोकस के बीच। पोल और फोकस के बीच कैसा इमेज बनता है? जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेम साइड बनेगा। मिरर के केस में होता है, लेंस के केस में उल्टा होता है। लेंस के केस में क्या होता है कि जब भी पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो वो सेम साइड बनता है। ठीक है सर, सेम साइड समझ में आ गया। तो V मतलब इधर बनेगा, तो V कैसा होना चाहिए? माइनस। लेकिन यहाँ पे V कैसा है? प्लस। तो ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा गलत है सर? 6। समझ में आया? yes, लिखना कैसे है? समझ लिख लोगे भी? yes, अच्छे से। क्या कहा फिर से रिपीट करता हूं कि F कितना है? 15। और U कितना है? 10। मतलब छोटा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? पोल और फोकस के बीच। और लेंस के केस में जब पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है, मतलब आगे आगे की ओर बनेगा, तो माइनस होगा। लेकिन यहां V कैसा है? प्लस। ये हमारा गलत है। ठीक है, थर्ड कर, ये दोनों समझ में आया? yes। थर्ड क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ सीरियल नंबर 4। तो सीरियल नंबर 4 ये रहा हमारा। yes, अब इसका रे डायग्राम बनाना होगा। सीरियल नंबर 4 का आप रे डायग्राम बनाओगे ना, तो देखो रे डायग्राम बनाओगे इसका, ध्यान से देखना। चौथे को करना है विदाउट कैलकुलेशन। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आता है, एम इक्वल टू रे डायग्राम, इसलिए बना दिया मैंने। एग्जामिनर पूछ लेगा तो बना के दिखा देना, क्योंकि तीन ही पार्ट थे और केस बेस में चार पार्ट होते हैं, तो चौथा रे डायग्राम पूछ लेगा। हमें पता है मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, V अपॉन U, ये होता है ना? yes। तो V कितना है यहाँ पे फोर्थ नंबर में सर? V प्लस 60। और U कितना है सर? -20। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3। यही आंसर, सिंपल सा है। मतलब ओरली कर सकते हो, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये मैंने करके दिखाया। उसने पूछा कि विदाउट कैलकुलेशन, तो ओरली वो तो डाटा भी उसने इतने अच्छे सेट किया है कि पूरा बैठ रहा है। तो M कितना आया हमारा मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -3। समझ में आया यहां तक अच्छे से? कोई डाउट? नो, बिल्कुल अच्छे से। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस बेस में आने के 5 नंबर का पूछा हुआ है 2017 में, मतलब 2023 5 साल पहले पूछा था, पूछ सकता है, रिपीट करता है, तो बहुत जरूर आएगा केस बेस में। समझ में आया? ऐसा ही सेम आएगा और कॉन्वेक्स लेंस का ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो जल्दी से, मिटा देता हूं। ठीक है।